स्टार्ट अवर नेक्स्ट पैराग्राफ इज सनबर्ड. तो जो सनबर्ड होता है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं. सनबर्ड इज अ स्मॉल येल्लो कलर बर्ड. तो जो सनबर्ड होता है वो छोटा येल्लो कलर का बर्ड होता है. वो ब्रांचेस पे लटकता हुआ घोंसला बनाता है. तो यहाँ पे देखिए, हमें पिक्चर में बताया है ऑलरेडी कि ये जो पिक्चर हमें दी है वो किसकी है, सनबर्ड की. तो वो जो ब्रांचेस होती है ट्री की ब्रांचेस, उस पर लटकता हुआ अपना घोंसला बनाता है. तो उसके बारे में हम यहाँ पे पैराग्राफ में पढ़ते हैं. द सनबर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्रीज और अ बस. तो हमने देखा कि जो सनबर्ड होता है वो ब्रांचेस में, यानी कि जो ट्री की जो डालियाँ होती है उस पर लटकता हुआ अपना घोंसला बनाता है. द सेम इवनिंग वी शो अ बर्ड्स नेस्ट, यानी कि फिर हमने शाम को सनबर्ड को घोंसले को देखा. कैन यू गेस वॉट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ, यानी कि क्या आप बता सकते हो, आप गेस कर सकते हो कि उसका जो घोंसला है वो किससे बना हुआ होता है. द नेस्ट हैज हेयर ग्रास थीन ट्विंग्स ड्राई लीव्स कॉटन वूल बिट ऑफ ट्री बार्क pieces of clothes, rags and even spiders' cobs. तो जो सनबर्ड है वो अपना घोंसला हेयर से, ग्रास यानी कि घास से, थीन ट्विंग्स यानी कि पतली टहनियाँ से, ड्राई लीव्स यानी कि सूखे पत्ते से, कॉटन वूल यानी कि रुई से, बीट्स ऑफ ट्री बार्क यानी कि पेड़ की छालों से, पीसीस ऑफ क्लोथ्स यानी कि कपड़े के पीसीस से, राड यहाँ पे क्या लिखा है, रेग्स यानी कि लताओं से, जो डालिए की लता होती है वो, एंड इवन स्पाइडर्स कोब वेब्स, स्पाइडर कोब वेब्स यानी कि मकड़ी की जाल. तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सनबर्ड्स है वो अपना घोंसला हेयर से, ग्रास से, पतली टहनियाँ से, सूखे पत्ते से, रुई से, पेड़ की छालों से, कपड़े के क्लोथ्स के छोटे छोटे पीसेस से, लताओं से और मकड़ी की जाल से अपना घोंसला बनाता है. तो वो हमने यहाँ पे देखा कि जो सनबर्ड है वो इस तरह के से अपना घोंसला बनाता है. देन देखिए, हम यहाँ पे साइड में यहाँ पे किसकी पिक्चर दी है, वीवर बर्ड्स. तो हमने आगे देखा था, मैंने आपको आगे बताया था कि जो वीवर बर्ड्स होता है वो ऐसे ही अपना घोंसला जो डालियों पे लटकता हुआ अपना घोंसला बनाता है, वो हमने आगे पिक्चर में मैंने आपको बताया था. द नेक्स्ट पैराग्राफ इज व्हेन आई लुक थ्रू द बाइनोक्यूलर्स आई कुड सी क्लिक इन द नेस्ट, यानी कि यहाँ पे फिर क्या बताया कि जब मैंने अपने दूरबीन से, मैंने आपको आगे बताया था मीनिंग ऑफ बाइनोक्यूलर्स यानी कि दूरबीन. तो यहाँ पे बताया है कि जब मैंने अपने दूरबीन से सनबर्ड के घोंसले को ध्यान से देखा तो मैंने इस घोंसले के अंदर एक छोटे बेबी चिक्स को भी देखा. इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट, यानी कि फिर कहा कि उस नेस्ट में अंदर जाने के लिए एक छोटी सी ओपनिंग भी होती है. छोटी सी ओपनिंग यानी कि जब घोंसले में अंदर जाने के लिए एक छोटा सा होल नहीं बनाया हुआ होता उसे क्या कहते हैं, स्मॉल ओपनिंग. इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड, यानी कि जो बेबी होता है वो अपनी मम्मा का यानी कि आने का इंतज़ार कर रहा था. वेटिंग यानी कि इंतज़ार करना, ब्रिंग यानी कि लाना, सम फूड यानी कि फिर उन्होंने कहा कि बेबी चिक्स है वो सिर्फ घोंसले में अपने मम्मा का फूड लेने आने का सिर्फ इंतज़ार कर रहा था. वॉट एल्स कैन इट डू, जस्ट ईट एंड स्लीप, यानी कि आपको तो पता ही होगा कि जो बर्ड का छोटा बेबी होता है, बेबी चिक्स, उनका क्या काम होता है, सिर्फ ईट यानी कि खाना खाना और सोना. तो वो अपनी मम्मा का खाना लेके आना उसका वो अपना इंतज़ार कर रहा था. देन नेक्स्ट क्या है वो हम पढ़ते हैं. डू यू नो अबाउट द वीवर बर्ड, क्या आपको पता है कि वीवर बर्ड क्या होता है. द मेल वीवर बर्ड मेक ब्यूटीफुली वूम नेस्ट, यानी कि आपको मैंने आगे बताया था कि जो वीवर बर्ड होता है वो अपने बहुत सुंदर तरीके से अपना नेस्ट बनाता है, जैसे कि डाल पे लटकता हुआ अपना नेस्ट बनाता है. द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूज द वन दैट सी लाइक द बेस्ट एंड डिसाइड इन विच टू ले हर एग्स, यानी कि आपको क्या पता है कि इस तरीके के घोंसले सिर्फ मेल
वीवर बर्ड्स ही बनाते हैं, जो घोंसलों के देखकर ही फीमेल वीवर बर्ड्स चूज करती है और उसी के घोंसले में यानी कि जो फीमेल वीवर बर्ड्स होती है उनको सारे मेल वीवर बर्ड्स में के घोंसले में से सिर्फ जो ही वीवर बर्ड्स के घोंसले पसंद हो उसी में जाके सिर्फ अपना अंडा देती है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इस तरीके के घोंसले सिर्फ मेल वीवर बर्ड्स ही बनाते हैं। घोंसलों को देखकर ही फीमेल वीवर बर्ड चूज करती है कि उसे कौन सा घोंसला ज़्यादा पसंद है और उसी घोंसले को जाके फिर वो अपना अंडा देती है। तो वो हमने यहाँ पे देखा। तो हमने यहाँ पे अब तक कितने बर्ड्स देखे, फिर हमने कौन से देखे थे, कोयल, वीवर बर्ड्स, स्पैरो या फिर पिजियन, फिर हमने क्या देखा था, कूपर स्मिथ एंड टेलर बर्ड। तो हमने देखा था कोयल डज नॉट मेक इट नेस्ट, इट ले एग्स इन अ क्रोज नेस्ट। तो हमने देखा था कि जो कोयल बर्ड है वो अपना घोंसला नहीं बनाती क्योंकि वो अपना घोंसला क्राउ के नेस्ट में ही रखती है। देन हमने देखा था वीवर बर्ड्स, तो जो वीवर बर्ड्स है नेस्ट हैग्स फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, यानी कि हमने देखा कि जो वीवर बर्ड्स है वो जालियों में लटकता हुआ ही घोंसला बनाता है। स्पैरो पिजन दे मेक देयर नेस्ट इन एन ओल्ड डेजर्ट बिल्डिंग ऑन द टॉप ऑफ अ कबर्ड बिहाइंड अ मिरर और एनीवेयर एल्स। तो हमने देखा था कि जो स्पैरो और पिजन है वो कहीं पे भी अपना घोंसला बनाते हैं, वो कई पुरानी जगह बिल्डिंग्स पड़ी हुई हो उसमें भी अपना घोंसला बनाती है, कबर्ड में बनाती है, बिहाइंड द मिरर यानी कि मिरर के पीछे भी कहीं पे भी वो अपना घोंसला बनाती है। देन हमने क्या देखा था, बारबेट, तो बारबेट मेक्स इट्स नेस्ट इन द होल ऑफ अ ट्री ट्रंक। तो हमने देखा था कि जो बारबेट यानी कि जो कॉपर स्मिथ बर्ड है वो फूड कीपर की तरह ही जो पेड़ होता है उसमें होल करके अपना घोंसला बनाती है। देन हमने क्या देखा था, टेलर बर्ड, तो टेलर बर्ड स्वीट्स द लीव्स ऑफ द ट्रीज विथ द हेल्प ऑफ इट्स बिग एंड ड्राइड ग्रास टू मेक अ नेस्ट। तो हमने देखा था कि जो ट्रेलर बर्ड है वो अपना घोंसला कैसे बनाता है कि जैसे कि दो सूखे पत्ते हो उसमें स्टिचिंग करके यानी कि सिलाई करके अपना घोंसला बनाती है, फिर उसमें अपना अंडा रखती है। तो हमने यहाँ तक कितने बर्ड्स देखे वो हमने यहाँ पे देखा। देन ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दीज डेज, यानी कि जो सारे बर्ड्स होते हैं वो बहुत ही बिजी होते हैं उस दिन, मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग्स इट ओनली द फर्स्ट स्टेप, यानी कि जो सारे बर्ड्स होते हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं और अपना अंडा रखते हैं फर्स्ट स्टेप पे, उस दिन वो बहुत ही बिजी होते हैं। इट्स अ डिफिकल्ट टेस्ट टू रेज द यंग वन इन द नेस्ट विच हैड बीन मेड विथ सो मच एफर्ट, यानी कि वो उस दिन बहुत ही बिजी होती है और वो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि जैसे कि उनको अपना टेस्ट के जैसा ही लगता है, जैसे कि उसमें घोंसला बनाना फिर उसमें अंडा रखना वो उनको एक टेस्ट की तरह बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। द नेक्स्ट पैराग्राफ इज बर्ड हैव मैनी एनिमीज, मीनिंग ऑफ एनिमीज यानी कि दुश्मन, तो चिड़ियों के भी बहुत सारे ऐसे दुश्मन होते हैं जैसे कि ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स टू, क्राउ एंड स्क्विरल्स, कैट एंड रैट। तो उनको चिड़ियों के भी ऐसे बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं जैसे कि हम इंसान, दूसरे जानवर, क्रो, स्क्विरल यानी कि गिलहरी, बिल्ली, रेट्स, ये जो सारे होते हैं वो उनके दुश्मन होते हैं। ऑल ऑफ देम वेट टू चांस टू स्टील द एग्स, मैनी टाइम दे इवन ब्रेक द नेस्ट, यानी कि जो सारे बर्ड्स होते हैं वो बहुत ही राह देख रहे होते हैं, वेट यानी कि राह देख रहे हैं कि उनको चांस मिले कि अपना अंडा देने, मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट, कभी कभार उनका जो घोंसला होता है वो ब्रेक यानी कि टूट भी जाता है। टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर टू फाइंड फूड, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं वो फाइंड फूड यानी कि फूड खोजने में उनका अपने आप को भी डेंजर में डालते हैं। मेक अ नेस्ट हैच द एग्स एंड राइज द चिक्स सेल्फली, यानी कि फिर वो
अपना घोंसला इसलिए बनाते हैं कि फिर उसमें एक अपना जो अंडा होता है वो सेफ रहे, इसलिए वो फिर वो अपना घोंसला बनाते हैं। ऑल दिस आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड, यानी कि ये जो सारा है कि अंडे को सेफ रखना, देन वो बेबी चिक्स का ख्याल रखना, तो वो उन लोगों के एक टेस्ट की तरह ही सारे बर्ड्स को लगता है। एंड सी हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग विथ जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली, और देखना कि जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे गाते हैं, फिर वो कैसे इंजॉय करते हैं, फिर जो अपनी पाँख है वो कैसे फैलाते हैं, और वो कैसे अपनी फ्रीली से आसमान में उड़ जाते हैं, वो आप कभी कभार देखना। सो दैट इट्स ऑल फॉर नाउ, सलमान ब्लेसिंग फॉर योर गुज्जू भाई। तो हमने यहाँ पे जो लेटर लिखा था यहाँ तक वो किसने लिखा था, गुज्जू भाई ने आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को यहाँ पे लेटर में बहुत सारे बर्ड्स के बारे में लिखा था, वो हमने यहाँ पे देखा। आगे चैप्टर में देखा था कि हमें गुज्जू भाई ने एक लेटर दिया था जिसमें बहुत सारे बर्ड्स के बारे में हमें बताया था, देन यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर है वो हम यहाँ पे देखते हैं। हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गुज्जू भाई राइट दिस लेटर, यानी कि हमने आगे जो चैप्टर में लेटर देखा था जिसमें बहुत सारे बर्ड के बारे में बताया था, तो वो लेटर कितने साल पुराना था, अबाउट 83 ईयर्स एगो लेटर वॉज राइट इन 1936 अप टू 2019 इट इज 83 ईयर्स, यानी कि ये जो हमें लेटर दिया था वो 83 ईयर्स पहले का है कि 1936 के लेकर 2019 तक 83 ईयर्स पहले का है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट हाउ ओल्ड योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर वेर एट दैट टाइम, यानी कि उसी टाइम पे आपके ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर कितने साल के थे वो आपको बताना है। इट्स आंसर इज अकॉर्डिंग टू यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस लेटर दैट्स टॉक अबाउट मैनी डिफरेंट बर्ड्स, हाउ मैनी बर्ड्स दिस बर्ड्स हैव यू सीन, यानी कि हमने आगे बहुत सारे बर्ड्स के बारे में देखा था कि जो बहुत ही डिफरेंट यानी कि अलग अलग थे, देन आपने उसके अलावा कौन से और बर्ड्स देखे हैं वो आपको यहाँ बताना है। तो दिस क्वेश्चन आंसर इज अकॉर्डिंग टू यू, यानी कि वो आपको अपने आप से यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन विच वंस, यानी कि आपने उसके अलावा कौन सा एक बर्ड देखा है जो आप यहाँ पे बता सकते हो, देन हाउ कैन वी राइट आंसर आई हैव सीन वल्चर ईगल पैरोट एंड पीकॉक, तो आप उसके अलावा आपने जो भी बर्ड देखा हो वो आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू सीन अ बर्ड नेस्ट, वेयर डिड यू सी इट, क्या आपने कभी कोई बर्ड का नेस्ट देखा है और कहाँ पे देखा है, देन हाउ कैन वी राइट आंसर आई सो बर्ड्स नेस्ट ऑन अ ट्री इन अवर गार्डन, यानी कि यस हमने बर्ड का एक नेस्ट देखा है जो हमने गार्डन में देखा है, तो वो आप ऐसा आंसर लिख सकते हो। देन नेक्स्ट इज विच इज योर फेवरेट बर्ड, यानी कि आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है वो बताना है। Can you show your friend in the class how it flies and what sound it makes? यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि आपको आपके फ्रेंड को एक अपने फेवरेट बर्ड्स के बारे में बताना है, देन वो कैसे उड़ता है, देन उसकी साउंड कैसी है वो आपको बतानी है। देन नेक्स्ट इज गेस व्हाट दिस बर्ड इज, यानी कि हमें यहाँ पे एक पहेली दी है उसको सुलझा के बताना है कि कौन सा बर्ड है। अ क्राउन ऑन द हेड, क्राउन मीनिंग ऑफ मुगट, तो उसके हेड पे एक मुकुट होता है, एंड कॉइन्स ऑन द टेल, यानी कि टेल पे कॉइन्स होता है, सो मैनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल, यानी कि उसके ऊपर से लेके नीचे तक बहुत सारे शेड्स यानी कि पींछे होते हैं, देन क्लू इट इज अवर नेशनल बर्ड, यानी कि वो हमारा नेशनल बर्ड है, तो वो कौन है, देन आंसर इज पीकॉक, तो जो पीकॉक बर्ड है वो हमारा नेशनल बर्ड है। Then next question is, do you know of any other birds make its nest in a tree trunk like the barbet does? यानी कि क्या आपको पता है कि जो कुछ बर्ड्स होते हैं वो ट्री पे अपना नेस्ट बनाते हैं, जैसे कि हमने आगे बारबेट बर्ड्स में देखा था कि वो कैसे
अपना घोंसला कैसे बनाता है, नेस्ट कैसे बनाता है, जैसे कि कोई ट्री है उसके अंदर होल करके अपना नेस्ट बनाता है तो वैसा, और कौन सा बर्ड है, देन आंसर इज वुड पेकर। तो जो वुड पेकर है वो बार्बेड बर्ड की तरह ही अपना नेस्ट ट्री पे होल करके बनाता है। देन नेक्स्ट इज इफ देर इज अ नेस्ट इनसाइड और अराउंड योर हाउस, यानी कि क्या आपके घर के भी आसपास ऐसा कोई नेस्ट है, लुक केयरफुली यानी कि उसको ध्यान से देखना है, एट इट रिमेंबर या रिमेंबर मीनिंग यानी कि याद रहे, डू नॉट गो टू नियर द नेस्ट यानी कि आपको याद रहे कि आपको उस नेस्ट के एकदम नज़दीक नहीं जाना है, एंड डू नॉट टच इट यानी कि फिर आपको उसको टच नहीं करना है, इफ़ यू डू यानी कि आपने ऐसा किया तो देन द बर्ड विल नॉट कम टू द नेस्ट अगेन, यानी कि आपने ऐसा किया तो फिर जो बर्ड है वो दोबारा नेस्ट में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या बताया है कि क्या आपके घर के आसपास ऐसा कोई नेस्ट है, देन आपको उसको केयरफुली यानी कि ध्यान से देखना है, देन रिमेंबर यानी कि याद रहे कि आपको उसके नज़दीक नहीं जाना है, उसको टच भी नहीं करना है, अगर आपने ऐसा किया तो जो बर्ड है वो दोबारा से उसी नेस्ट में नहीं आएगा। देन क्या है, ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर सम डेज एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स, यानी कि आपको कुछ दिन उसी नेस्ट को ऑब्जर्व करना है यानी कि देखना है, देन नोट डाउन करना है, जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर नोट डाउन करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द नेस्ट मेड, यानी कि आपने जो नेस्ट देखा है वो कहाँ पे है, द नेस्ट इज मेड ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, यानी कि वो नेस्ट कहाँ पे बना है, जो ट्री के ब्रांचेस होते हैं उसके ऊपर वो बर्ड ने नेस्ट बनाया है, ऐसा आप आंसर लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेस्ट मेड ऑफ, यानी कि वो उसने कैसे अपना नेस्ट बनाया है, किस किस चीज़ों का इस्तेमाल किया है, देन हाउ कैन बी राइट आंसर, द नेस्ट इज मेड अप ऑफ ड्राई ग्रास, वूल, कॉटन, सॉफ्ट थिंग्स, हेयर, स्ट्रो, ड्राई लीव्स इटीसी, यानी कि वो बर्ड ने नेस्ट बनाया है जिससे उसने उसमें सूखे घास का भी यूज़ किया है, वूल लकड़े का यूज़ किया है, सॉफ्ट थिंग्स यानी कि जो टहनियाँ होती है उसका भी इस्तेमाल किया है, हेयर का यूज़ किया है, कॉटन का यूज़ किया है, सूखे पत्ती का भी उसने नेस्ट बनाने के लिए यूज़ किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेस्ट रेडी और आर द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट, यानी कि जो आपने वो नेस्ट देखा है वो ऑलरेडी बन चुका है या फिर अभी वो बर्ड बना रहा है, वो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे फिलअप करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू रिकोगनाइज विच बर्ड हैव मेड द नेस्ट, यानी कि क्या आप बता सकते हो कि वो जो नेस्ट आपने देखा है वो कौन से बर्ड ने बनाया है, देन हाउ कैन बी राइट आंसर, यस इट इज अ क्राउज नेस्ट, यानी कि वो क्राउ ने नेस्ट बनाया है। आप अपने आप से जो भी बर्ड ने नेस्ट बनाया होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट थिंग्स डज द बर्ड ब्रिंग द नेस्ट, यानी कि जो बर्ड ने जो नेस्ट बनाए उसमें उसने क्या क्या इस्तेमाल किया है, देन हाउ कैन बी राइट आंसर, द क्रो ब्रिंग स्ट्रो, कॉटन, वूल इटीसी, एट ऑल्सो ब्रिंग वॉर्म्स टू फीड द बेबीज, यानी कि उसी घोंसले में यानी कि नेस्ट को बनाने के लिए बर्ड ने कॉटन, वूल, स्ट्रो का इस्तेमाल किया है, देन उसको बेबी को यानी कि जो बेबी बर्ड होता है उसको खिलाने के लिए उसने वाम का भी इस्तेमाल किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी बर्ड सिटिंग इन देयर नेस्ट, क्या वहाँ पे कोई एक बेबी बर्ड है उसी नेस्ट में, देन हाउ कैन बी राइट आंसर, बेबी बर्ड आर देयर इन द नेस्ट, तो वो नेस्ट में कौन है, तो बेबी बर्ड नेस्ट में रहते हैं। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक देर आर एनी एग इन द नेस्ट, यानी कि क्या आपने जो नेस्ट देखा है उसमें कोई एग है, देन हाउ कैन द राइट आंसर, नो आई डोंट सी एनी एग इन द नेस्ट, आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर लिख सकते हो, जैसे कि आपने उसमें एग देखा है तो येस लिखना है, देन नहीं देखा है तो नो लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू हियर एनी साउंड लाइक ची 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 फ्रॉम द नेस्ट, यानी कि क्या आपने नेस्ट में ऐसे कोई ची 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 साउंड सुनी है, देन येस वी कैन डेफिनेटली हियर, यानी कि येस हमने सुनी होगी, जैसे कि येस द ची 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 साउंड इज मेड बाई द बेबी बर्ड इन द नेस्ट,
यानी कि जो नेस्ट में बेबी बर्ड होता है उसकी आवाज ऐसे ची 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 जैसी आती है. Then next question is, if there are chicks in the nest, what do parents bird bring to for them to eat? यानी कि क्या आपने ऐसे जो नेस्ट में बेबी चिक्स है उसके लिए बेबी जो पेरेंट्स बर्ड्स होते हैं वो उसको खाना खिलाने के लिए क्या लेकर आते हैं? Then how can we write answer? The parents crow bring worms, insect and grains to feed their babies. तो जो कौवा ने अपना नेस्ट बनाया था तो वो बेबी को खिलाने के लिए ऐसे वर्म्स इंसेक्ट एंड ग्रेन्स उसको खाना खिलाने के लिए लेकर आता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइम्स इन वन आवर डू द बर्ड्स कम टू द नेस्ट? यानी कि एक घंटे में तकरीबन बर्ड्स है वो कितनी बार नेस्ट में आता है? देन हाउ कैन वी राइट आंसर? अबाउट 2 to 3 टाइम्स बर्ड्स कम टू द देयर नेस्ट. यानी कि जो बर्ड है वो तकरीबन एक घंटे में 2 से 3 टाइम तक नेस्ट में आता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड द चिक्स लीव द नेस्ट? यानी कि कितने दिनों के बाद जो चिक्स होते हैं, मैन मीनिंग आपको बताया था चिक्स यानी कि जो अंडे में से जो छोटा बेबी निकलता है बर्ड उसको क्या कहते हैं? चिक. तो तकरीबन कितने दिनों के बाद जो चिक्स है वो अपने नेस्ट से चला जाता है? देन हाउ कैन वी राइट आंसर? इन अबाउट 2 months व्हेन ही चिक्स ग्रो अप एंड द मेक एंड बिगिन टू फ्लाई दे लीव द नेस्ट. यानी कि जो बेबी चिक्स होता है वो जब 2 महीने का हो जाता है देन वो जब बढ़ने हो लगता है एंड वो जब उड़ने लगता है तो वो वहाँ से नेस्ट से चला जाता है. देन नेक्स्ट इज, मेक अ पिक्चर ऑफ द नेस्ट इन योर नोटबुक. यानी कि फिर आपको आपकी नोटबुक में एक नेस्ट की पिक्चर बनानी है. तो हमने यहाँ पे जितने भी अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन देखे वो आप अपने अकॉर्डिंग भी आपकी बुक में आंसर फिलअप कर सकते हो.